शशि जी, जल्दी से एक टिप्पणी राहुल गांधी पर लग रहे इन विवादों और आरोपों पर आपकी तरफ से। देखिए, मैंने आपसे कहा कि राहुल को अपनी भाषा में संयमित रहना चाहिए। दूसरे, वो कभी कभी उस गरिमा से पेश नहीं आ पाते जिसकी उनसे उम्मीद है। आपको याद होगा, अच्छा भाषण दिया था, अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर देख के आंख मार दी। आज उनका इशारा जो भी रहा हो उससे दूसरे ले उड़ते हैं। वो एक बार प्रधानमंत्री के भी गले लग गए थे। वो पोज तो ऐसे कर रहे थे कि ईसा मसीह या गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन गांधी और राहुल गांधी के फर्क को मिटाना थोड़ा मुश्किल है और उसके लिए उन्हें और कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपने राहुल गांधी की बैटिंग पर शशि जी को सुनी लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि आज टीम इंडिया और टीम एनडीए की तरफ से पूरे 15 खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। गुगली से लेकर बाउंसर, बीमर से लेकर यॉर्कर तक बॉल फेंकी गई, तो दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजी भी धुआंधार और ताबड़तोड़ आज देखने को मिली है। चौके, छक्कों की बरसात होती रही, मुद्दों के शॉट्स भी जमकर मारे गए। 3 दिवसीय ये जो अविश्वास प्रस्ताव मैच है, उसके दूसरे दिन एनडीए के जो दिग्गज खिलाड़ी उतरे उसमें अमित शाह के बाद स्मृति ईरानी, तूफानी स्मृति ईरानी की बारी आती है। रामकृपाल यादव भी बोले, साध्वी निरंजन ज्योति बोली, अनुप्रिया पटेल भी अपना दल की बोली। आज दोनों ने ही मैच को जीतने के लिए अपने अपनी तरफ से दमदार पारियां खेली। जबकि टीम इंडिया की बात कीजिए तो वहां पर राहुल गांधी के अलावा ललन सिंह जेडीयू वाले, काकोली घोष, कनिमोड़ी फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा, कश्मीरी पंडितों पर जवाब दिया स्मृति ईरानी की बातों को। इन सब ने अपनी अपनी तरफ से संभली हुई पारी, किसी तरह से पारी को संभाला। उन्होंने कई जानदार शॉट्स भी बीच बीच में लगाते रहे, टीम इंडिया के सियासी स्कोर को आगे वो बढ़ाते रहे। तो आइए अब देखते हैं टीम एनडीए और टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों का वो खेल जिसने सियासत के मैदान में खूब तालियां बटोरी। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। तो फिर कांग्रेस ने अडानी को वोट का काम क्यों दिया? इतनी बड़ी घटना हो गई, सत्तारी सरकार है बिहार के, कटिहार में घटना घटी है। Why doesn't the government open their mouth? मनरेगा इसलिए रोका गया है, मनरेगा को भ्रष्टाचार का डर नहीं बनने देंगे। We only saw despair and despondency in their eyes. मगर हमारा देश इतना अन्याय कर रहा है। 3 दिवसीय अविश्वास प्रस्ताव मैच के दूसरे दिन का खेल जबरदस्त होगा। इसका विश्वास तो पहले ही सबको था, एक से बढ़कर एक थाकर शॉट्स निकलेंगे, इसका भी सबको अंदाजा था। मैच के दूसरे दिन शुरुआत टीम इंडिया की तरफ से राहुल गांधी ने की, लेकिन उसके बाद जब टीम एनडीए की स्मृति ईरानी मैदान में उतरी तो उन्होंने सीधा राहुल के प्रहार का करारा जवाब दिया। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माफ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। रलियो सलियो रलियो, या तो अपना धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी माँ के मुंह में ठूसा गया, इतना ही खराब है। तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगा दी। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया, क्यों दिया? राजस्थान में 7,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ, 20,000 एकड़ जमीन ले ली, क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ कोर्ट का काम क्यों दिया? स्मृति ईरानी के बाद टीम इंडिया के तजुर्बेकार खिलाड़ी ललन सिंह का आता है और ललन सिंह ने सियासी पिच पर खेलना शुरू किया तो ईडी और जांच एजेंसियों को सीधे टारगेट पर लिया, तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने बिहार के सांसद रामकृपाल को उतारा। जब इनका नहीं चला तो इन्होंने लालू जी के परिवार के यहाँ छापा मरवाने का काम किया, और जब छापा मरवाने के कारण 2017 में हमारा गठबंधन टूटा तो 17 से 22 तक कुछ नहीं हुआ। शांति में इनके तीनों पालतू तोते शांत बैठ गए, और जैसे ही 9 अगस्त 2022 को फिर से गठबंधन हुआ तीनों तोता चालू हो गए, तीनों तोता दौरा कर रहे हैं।
लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार छापा मार रहे हैं। अरे मारते रहो, बिहार का 40 में 40 सीट हारोगे। अरे मोदी को कहां से निकाल दोगे? मोदी तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में बैठा हुआ है, जिसको हिंदुस्तान का गरीब आदमी, मोदी का गरीब आदमी आज एक स्वर से कह रहा है। क्या कह रहा है? मोदी मोदी। घमंडी घमंडिया लोग, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे चाहने से भी मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्या बात करोगे? अविश्वास प्रस्ताव मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के खिलाड़ी फारूक अब्दुल्ला भी जोश में दिखे और उन्होंने सीधा कश्मीर को लेकर भाषण दिया। याद रखिए वाजपेयी जी ने क्या कहा, सुनिए मेरी बात, सुनिए अपने लीडर की बात सुनिए। वो आए करना में, आए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास और कहने लगे, सुनिए एक मिनट, कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाए। मैं आज आपसे कहता हूँ, इस हाउस से कहता हूँ, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोक। मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए। टीम इंडिया की तरफ से अनुप्रिया पटेल भी खेलने उतरी और सभी भी पारी खेलते हुए टीम मोदी के स्कोर को आगे बढ़ाया। जब जब आप हमारी सरकार के ऊपर, हमारे एनडीए गठबंधन के ऊपर और मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हैं, तब तब देश की जनता आने वाले चुनाव में अपने और भी बड़े विश्वास से आपके अविश्वास को खारिज करने का काम करती है। दूसरे दिन की पारी अमित शाह के भाषण पर समाप्त होती है और अब फाइनल के दिन पीएम मोदी का इंतजार है। आज तक के तो शशि जी, आपने जो बाकी आज के बैट्समैन उतरे थे, आपने उनकी कहानी सुन ली, कौन सबसे प्रखर लगा आपको? देखिए, स्मृति ईरानी भी अद्भुत थी, हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त बोली। मुझे ललन सिंह ने भी काफी प्रभावित किया, वो भी बहुत टू द पॉइंट थे, बहुत ओज था उनमें। इसी तरीके से रामकृपाल यादव बहुत बढ़िया बोले, लेकिन सबसे अच्छे नंबर में स्मृति ईरानी के अलावा काकोली को देना चाहूंगा, वो बहुत अच्छा बोली, दिल को छूने वाला बोली और ऐसा लगा एक औरत का दर्द बयान कर रही। ठीक है, तो आपने अपनी बात कह दी है, लेकिन कल 3 दिवसीय अविश्वास प्रस्ताव मैच का तीसरा और फाइनल दिन है, सबसे अहम है। इस मैच में टीम एनडीए की जीत पक्की है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, नंबर गेम में वो आगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी पिच पर जब बैटिंग करने उतरेंगे तो ना सिर्फ विपक्षी गठबंधन बनाने वाले पूरे 26 दल यानी इंडिया वाले देखेंगे, बल्कि पीएम मोदी की बैटिंग पूरा देश देखेगा। विपक्षी खेमे ने जितने भी शॉट्स मारे हैं, गुगली फेंकी, यॉर्कर्स, बीमर्स मारे, पीएम मोदी को एक एक का करारा जवाब देना है। तो आइए आपको दिखाते हैं कल मैच के फाइनल यानी तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। पीएम मोदी कल राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के मैच के दूसरे दिन अमित शाह ने जो पारी खेली है, एक तरह से उस पर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, उससे अलग भाषण देने का चैलेंज होगा। पीएम मोदी कल के मैच में 2024 का एजेंडा सेट कर सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया को धराशायी करने वाली पारी जरूर खेल सकते हैं, यानी आखिरी गेंद पर छक्का मार सकते हैं, जैसा उन्होंने खुद कहा है। नरेंद्र मोदी का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो विपक्षी खेमे के हर तरह के बॉल पर बड़े शॉट्स मार सकते हैं। सियासी पिच पर बैटिंग का जबरदस्त उनका अनुभव है। अब एक बार फिर से मोदी अपने जोरदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार। अविश्वास प्रस्ताव मैच की आखिरी पारी शुरू होने में अब चंद घंटे का वक्त बचा है, लेकिन पीएम मोदी किस तरह से बैटिंग करेंगे उसकी लाइन लेंथ तकरीबन तय है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर करारा वार किया, क्विट इंडिया, कल भी ये देखने को मिल सकता है। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टिकरण इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद
इंडिया छोड़ो, आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। सेंचुरी, डबल सेंचुरी पीएम, कल क्या करेंगे? आज 2 घंटे 5 मिनट तो अमित शाह जी क्रीज पर थे। शशि जी, राम और रावण का जिस दिन युद्ध हो रहा था उस दिन राम ने संशय की एक रात बिताई थी। वो जानते थे वो जीतेंगे लेकिन फिर भी संशय था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई कल चैलेंज नहीं है जीतने हारने का, लेकिन उनके सामने उनकी ही परफॉर्मेंस चैलेंज होगी, पिछली परफॉर्मेंस, इसलिए शायद वो भी आज थोड़ी तैयारी करेंगे।